हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय टी स्टिचेस। इस वीडियो में जो आप ये डिजाइनर सा टॉप देख रहे हैं, इसको हमने पुरानी शर्ट को यूज़ करके बनाया है। और इसे बनाने के लिए हमें बस जिसका आपको टॉप बनाना है उसका मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये टॉप आपको देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा होगा और आप भी चाहते होंगे कि इस टॉप को मैं भी बना लूँ। तो चलिए इस टॉप को बनाना शुरू कर लेते हैं। इस टॉप को बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ आइटम की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें इस शर्ट में ही सब कुछ मिल जाएगा। और इसमें थोड़ी थोड़ी हमें काट छाट करके इस टॉप को बनाना है। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस शर्ट को, इसकी शर्ट की बाजू को अलग कर लेंगे। तो बिल्कुल जहाँ से हमारी ये स्टिचिंग हो रखी है इस बाजू में, वहीं से हमें इसकी कटाई शुरू कर लेनी है। तो पहले फ्रंट पार्ट से हम इसकी कटाई करेंगे और फिर बैक पार्ट से जहाँ से सिलाई है इसमें, वहीं से हम इसकी कटाई शुरू करेंगे। तो एक साइड की आर्म्स को हमने कट कर लिया है, अब इसी तरह से दूसरे साइड की भी इस बाजू को हम कट कर लेंगे। तो ये दोनों बाजू हमारी कट हो चुकी हैं। अब हमें जो ये कॉलर की ऊपर से ये जो पट्टी है इसको हमें अलग कर लेना है। नीचे वाली बैंड पट्टी को हम अलग नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर वाली जो कॉलर की पट्टी है उसे हम अलग करेंगे। तो इस तरह से सिलाई खोलते हुए हमें ये पूरी कॉलर पट्टी अलग कर लेनी है। तो ये कॉलर मैंने अलग कर ली है, ये देखिए। अब हमें इसमें मेज़रमेंट लेना है, तो हम 8 इंच पे जहाँ से हमारी शोल्डर का वो सिलाई शुरू हुई है वहाँ से हम निशान लगाएंगे 8 इंच पे, और इस निशान को सीधा करके और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब इस निशान पे ही हमें कटिंग कर लेनी है। अब हमें फ्रंट पार्ट को इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए और बैक पार्ट को भी इसी तरह से सेट करते हुए और इसके आर्म होल की निशान लगा लेना है। तो जिस तरह से हम शोल्डर का निशान कुर्ती बनाने के लिए लगाते हैं, उसी तरह से हमें इसका शोल्डर का निशान लगाना है और उस निशान को बिल्कुल सीधा कर लेना है नीचे की साइड में। और बैक के लिए हम सिर्फ आगे के निशान को ज्वाइन करते हुए पीछे शोल्डर के निशान तक ले जाएंगे और इसकी कटाई कर लेंगे। तो शोल्डर का निशान मैंने 7 इंच पे लगाया है और नीचे आर्म होल का निशान मैंने 6.5 इंच पे लगाया है, और इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें जो ये नीचे का पार्ट कट किया था इसको अलग कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से अलग कर लेना है इस तरह से। अब हमें ये जो बटन पट्टी लगाई हुई है इसको हम अलग कर लेंगे, और इसको अलग करने के बाद दोनों साइड से इसको हम बीच में से जॉइंट कर लेंगे। तो ये मैंने जॉइंट कर लिया है। अब हमें ऊपर के पार्ट की पीको कर लेनी है, और पीको करने के बाद 1 इंच के निशान लगाते हुए और हमें एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो ये पीको मैंने कर ली है। अब हम इसमें 1-1 इंच का नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे, और इस निशान पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है ताकि हम इसमें गैदरिंग्स डाल सकें। तो हम गैदरिंग्स नहीं डालते हुए छोटे छोटे प्लीट्स डालेंगे। आप चाहें तो सिलाई लगा के भी इसमें गैदरिंग्स डाल सकते हैं इस तरह से। तो इस
ऊपर वाले पार्ट के साथ हमें इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स डालते हुए और नीचे वाले पार्ट को इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। और बीच की जो ये बटन पट्टी है, इसको बटन पट्टी की ऊपर वाली पट्टी के साथ ही हमें अटैच करना है। तो ये मैंने सिलाई लगा के और ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें ऊपर जो ये कॉलर हमने खोल ली थी उसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। तो ये स्टिचिंग मैंने लगा ली है और साथ साथ बैक पार्ट को भी हम इसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये फ्रंट और बैक पार्ट हमारे ज्वाइंट हो चुके हैं। अब हमें बाजू सिलाई कर लेनी है और नीचे से हमें इसको, अगर आपका लेंथ ये शर्ट की ज़्यादा है तो आप इसको कट कर सकते हैं। तो बाजू की हम कटिंग कर लेंगे। जो ये सिलाई लगाई हुई है इसको हम अलग करके और इसकी थोड़ी सी काट छाँट करके हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। जितना हमारा बैक और फ्रंट पार्ट का हमारा आर्म होल है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों फ्रंट और बैक पार्ट की ये बाजू थी जो, इनको हम कट कर लेंगे ऊपर नीचे रखते हुए। इस तरह से बाजू की ये साइड की सिलाई वाली कटिंग करने के बाद हम दोनों बाजू को एक दूसरे के ऊपर रख के और इनकी अच्छे से छटाई कर लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें निकला हुआ है उसको हम कट कर देते हैं। अब थोड़ी थोड़ी फ्रंट पार्ट में जो लगने वाली बाजू उसकी हम थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो निकला हुआ उसकी छटाई हम कर लेंगे। तो ये बाजू की मैंने छटाई कर ली है। अब हमें अपनी बाजू की लेंथ का मेजरमेंट करना है। तो लेंथ को आप जितनी रखना चाहते हैं उससे एक या डेढ़ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके आप उसका निशान लगा के और कटाई कर सकते हैं। तो मैंने ये 9.5 इंच पर निशान लगाया है क्योंकि मैं ये 8 इंच की बाजू बनाना चाह रही हूँ। तो ये बाजू की कटाई मैंने कर ली है। अब ये बाजू के चारों तरफ हम पिको कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ी थोड़ी फोल्डिंग करते हुए सिलाई लगा सकते हैं। मैंने ये पिको कर ली है। अब हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। तो इलास्टिक अटैच करने के लिए पहले हमें बाजू का मेजरमेंट देखना होगा। तो ये 7.25 इंच की बाजू है। इसको डबल फोल्ड करने के बाद ये 14.5 इंच हमारा पूरा टोटल लेंथ बनती है इसकी। तो 14.5 में से हम 3 इंच कम करके और इतना इलास्टिक हम लेंगे। तो मैंने ये 2.5 इंच कम किया है क्योंकि 0.5 इंच हमारा सिलाई में भी चला जाएगा इलास्टिक। तो इस तरह से 1 इंच का हमें निशान लगा के और बाजू को इस तरह से अटैच कर लेना है हमारी बाजू के साथ इस तरह से। तो ये इलास्टिक मैंने दोनों बाजू पे अटैच कर लिया है, ये देखिए। तो ये हमारी जो ये डिज़ाइनर टॉप था इसका फाइनल लुक हमारा आपके सामने है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें। ये डिज़ाइन हमारा देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है और साथ साथ हमारी शर्ट का भी रीयूज हो गया है, ये देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।